अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुबारक भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत मुबारक भाई, सब दुआएं फारूक भाई। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज हम मुबारक भाई के पास आए हैं। मुबारक भाई काफ़ी दिन से शौक़ करते आ रहे हैं। मुबारक भाई किस किस गोट का शौक़ करते हैं, हम सारी डिटेल आपको बताएंगे एक एक करके। सबसे पहले मुबारक भाई का हम एड्रेस जानेंगे और उनका फ़ोन नंबर जानेंगे। तो मुबारक भाई, आप अपना नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर बता दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। जी, मेरा नाम खान है जी। एड्रेस ये श्यामपुर रोड आता है जी, डीजे अली के करीब में, बाजू डीजे अली पुलिस स्टेशन के बैक साइड में, बैक साइड में है। तो ये आपका एड्रेस हो गया। चलिए, आप अपना फ़ोन नंबर भी बता दीजिए। जी, 8970981488। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे फ्रेंड्स शौक़ के लिए कुछ जानकारी आपसे लेना चाहते हैं, जैसे वो आपको कॉल करेंगे, आप उठा के कॉल यानी रिसीव करके उनकी जॉब दे सकते हैं ना? आप ऐसा कोई बिजी तो नहीं रहते, या आपका कुछ टाइम भी है? जी नहीं फारूक, कर सकते। ऐसा कभी भी कोई कॉल करेगा आपसे, पूछेगा भाई ये बकरे की खूबसूरती ऐसी है, आप इसको कैसा लिए, कहाँ से लिए, या इसको क्या खिलाते हैं? तो ऐसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, आप दे सकते हैं ना आंसर? या नहीं दे सकते? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम आपके जानवर देखते हैं और डिटेल पूछते हैं। अभी आपके पास ये जो शिप है, ये कौन सी ब्रीड में आता है ये? जी, ये अमीनगढ़ करके बोलते हैं इनको। जी, अमीनगढ़ का है। अमीनगढ़ का है। अच्छा, ये कितने महीने में होगा मुबारक भाई? ये फारूक भाई ये तकरीबन डेढ़ साल के करीब करीब है। डेढ़ साल के करीब करीब। ये दांत कितने डाला है अभी? दो दांत डाला हुआ है। दो दांत डाला हुआ है, दो की जगह बना ले गए है वो। अच्छा, माशाल्लाह। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये अमीनगढ़ का है और दो दांत अभी डाला नहीं है ये। दो दांत डाल दिया है। अच्छा, दो दांत के जगह बना रहा है। दो दांत की जगह बना रहा है। तो माशाल्लाह देख सकते हैं इसकी खूबसूरती। हम इसको थोड़ा सामने जाकर कवर करने की कोशिश करेंगे और दूसरे जो जो गोट्स अभी अवेलेबल हैं मुबारक भाई के पास, खान साहब के पास, हम आपको वो भी बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे चल के देखते हैं और इसकी खूबसूरती के बारे में भी डिटेल लेंगे और क्या खिलाते हैं ये भी थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं यहाँ पर जो सेटअप किए हैं मुबारक भाई, माशाल्लाह काफ़ी शानदार तरीके से सेटअप किए हैं। ये अमीनगढ़ के शिप के लिए है, देख सकते हैं आप प्लेस। ये कितनी प्लेस हो जाएगी मुबारक भाई, ये कितना साइज़ होगा? 4x4 है या 4x5 है? ये 4x5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा फारूक। चलिए माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी प्लेस सेटअप किए हैं। तो ये ऐसे ही हम बन्नूर के लिए जो रखे हैं मुबारक भाई, उसको भी देखेंगे। ये डोर ओपन होता है ना मुबारक भाई? हाँ भाई, ये अलग से उसको पार्टीशन। अच्छा, पार्टीशन कर दिए हैं, खुल गया, ओपन होने के बाद नहीं करना। अच्छा, चलिए माशाल्लाह देख सकते हैं फ्रेंड्स। मैं ऐसे थोड़ा अंदर जाऊंगा और वहां से थोड़ा सा कवर कर लूंगा। तो यहाँ पर अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं ये डोर ओपन होगा और ये क्लोज हो जाएगा। तो जैसे ये डोर क्लोज होता है तो ये यहीं पे रहेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। और अमीनगढ़ के लिए जो दूसरा सेटअप किया है, ये दूसरा बॉक्स है, इसको बंद कर दीजिए थोड़ा सा आप, थोड़ा देख लीजिए। तो ये दूसरा बॉक्स बन जाएगा। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप किया है ऊपर लाइट के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फीड वगैरह रखने के लिए कुछ स्टोरेज के जैसे बनाए हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं यहाँ हरी पत्ती वगैरह सभी इनका भूसा वगैरह रखने के लिए एक प्लेस है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाए हैं भाई, छोटी सी जगह में आप बहुत शानदार तरीके से सेटअप किए हैं मुबारक भाई, बहुत अच्छा लगा। चलिए अभी दूसरी भी जो जगह है आप वो भी दिखा दीजिए, हम उसको भी थोड़ा कवर कर लेंगे। तो ये सेटअप ये दूसरा है, ये जो दो, अच्छा ये रूम में आप घर के अंदर यानी कि रूम में आप सेटअप किए हैं माशाल्लाह। इनको तो हम बाद में कवर करेंगे, थोड़ी सी सेटअप है। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए यहाँ पर उठ के जो ट्रे है वो रखे हैं नीचे, पूरा वेस्टेज आता है उसको उठाने से क्लीन भी हो जाता है। तो इसको किए हैं। चलिए हम वीडियो कंप्लीट करेंगे, पहले दूसरी सारी डिटेल लेने के बाद हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं। ठीक है। तो खान साहब, इनके बारे में नहीं बताया आप? जी, ये हमारे छोटे भाई हैं। आपके छोटे भाई हैं? भाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खैरियत? ये भी बहुत अच्छा शौक करते हैं फारूक भाई, माशाल्लाह। साल में एक बार बहुत अच्छे जानवर लगा के अल्लाह के नाम में कुर्बान करते हैं। अच्छा माशाल्लाह, क्या नाम बताया आपका? सैयद सुफियान। सुफियान भाई, क्या कर रहे हैं अभी आप? मैं सेकंड पीयूसी पढ़ रहा हूँ। सेकंड पीयूसी कर रहे हैं, माशाल्लाह। चलिए बहुत अच्छी बात है, पहले पढ़ाई भाई बाद में शौक, ठीक है? चलिए देख लेंगे आपके दूसरे भी जानवर। तो इसकी तो सारी डिटेल आप हमें बता दिए हैं। दो दांत पे है? जी जी, दो दांत पे है। दो दांत पे है, अभी दो दांत डालने के लिए जगह बना रहे हैं माशाल्लाह। और अमीनगढ़ का है, अमीनगढ़ का माशाल्लाह। इसकी सिंग देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, ये मार्बल सिंग में है, मार्बल
खुर में है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि ऐसे ज़रा थोड़ा सा डर खाली इसके सिंग को देख के लगता ही है। अच्छे अच्छे आदमी डरना पड़ता है भाई मार लगने से पहले। तो चलिए, इसकी बहुत अच्छी बात है। ये बाल आप निकाले हैं क्या इसके? इसका शेप बनाया हुआ मैं। अच्छा माशाल्लाह, छोड़ दीजिए इसको, आप छोड़ दीजिए। अच्छा माशाल्लाह, इसको लाइन कट बोलते हैं, लाइन हेयर कट। लाइन हेयर कट है माशाल्लाह। और ये पॉइंट्स पूरे जिस जिस जगह पे हैं जी, फिर वो भी अपोजिट चारों पैर में भी सही वही जगह पे है माशाल्लाह। मैं गौर कर रहा था, ये ब्राउन कलर जो है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसकी खूबी क्या है, इसके जो खुर है, खुर के ऊपर ये 2 इंच से 3 इंच इसको ब्राउन कलर देख रहे हैं आप, चारों भी इक्वल है, इक्वल लग रहा है माशाल्लाह, बहुत ही शानदार है। चलिए हम अभी बन्नूर भी हैं देख लेते हैं क्योंकि शाम का वक्त है, बहुत सारी अभी दूसरे भी जानवर है देखना है, चलिए हम कवर करते हैं। तो चलिए आ जाइए, अभी कौन सा है देख लीजिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह मुबारक भाई, ये बन्नूर है। ये भी घर का ही बच्चा है आपके? नहीं, ये खरीदा हुआ है। कितने महीने का था आप लेकर आए थे? तकरीबन 6 या 7 महीने का था। 6 साल, अभी कितने महीने का है ये? अभी 1 साल के करीब हो रहा है। 1 साल के करीब हो रहा है माशाल्लाह। ये भी दांत डाल दिया है, दांत अभी 2 डाल दिया है माशाल्लाह। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बन्नूर है, काफ़ी शानदार है, काफ़ी एक्टिव है माशाल्लाह। आपको प्योर बन्नूर तो हम बताते हैं, बहुत सारे प्योर बन्नूर आप लोग ज़रूर देखिए और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए ये प्योर है, कैसा है, फर्स्ट है, सेकंड है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स अलग अलग होते हैं मुबारक भाई, तो मैं इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ, आप नाराज़ मत होइए। नहीं नहीं फर्क है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुझे अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा देखिए, इसका फेस देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, इसका सर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ और इसकी बॉडी लेंथ और बॉडी कैसी है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी है। ठीक है, चलिए कमेंट्स में ज़रूर बताना फ्रेंड्स आप लोगों को ये खान साहब का बन्नूर कैसा लगा इंशाल्लाह। चलिए हम दूसरे भी कवर करेंगे, इसकी तो डिटेल हो गई है, चलिए दूसरे भी देख लेंगे। चलिए चलो माशाल्लाह। तो ये कौन सा है साहब? ये भी बन्नूर में है फारूक भाई। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ये भी है, इसको सिंग है ना? वो विदाउट सिंग वाला था, ये सिंग वाला है। ये सिंग वाला। अच्छा, ये कितने दांत पे है ये? ये अभी दांत नहीं डाला है फारूक, अभी दांत पे नहीं है ये माशाल्लाह। चलिए बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सामने करके बताने की कोशिश करूंगा, मार्बल सिंग है, अभी दांत नहीं डाला है ये, अभी दूध के दांत ही हैं फ्रेंड्स, इसे अभी दूध वाले दांत ही है ना, अभी दांत नहीं निकले हैं। नहीं डाला। अच्छा चलिए बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा सा ऐसा, इसको खोलने से प्रॉब्लम तो नहीं होगी कुछ? नहीं नहीं रहेगा इधर ही। हाँ, ठीक है, इसको खोल दीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभी ये दांत नहीं डाला हुआ है, काफ़ी शानदार है, काफ़ी शॉर्ट हाइट है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं भाई ये प्योर है या मामूल, देख सकते हैं आप इसको, ये प्योर है या नॉर्मल है, आप लोग ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइए। चलिए हम दूसरा भी ऐसे ही कवर करेंगे, अभी मुबारक भाई के पास बहुत सारे हैं, अभी तो हमें ये देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुबारक भाई जो आप हमें बुलाए, बहुत खुशी हुई जी फारूक भाई। तो चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हटा दीजिए। तो ये इसकी भी थोड़ी डिटेल दे दीजिए मुबारक भाई, ये कौन सा है? जी ये बन्नूर क्रॉस बोल सकते हैं फारूक भाई से। जी माशाल्लाह। और ये कितने दांत पे है? ये 2 दांत डाला हुआ है, ये भी 2 की जगह बना रहा है फारूक भाई। अच्छा, अभी 4 दांत पे कंप्लीट नहीं है, 2 दांत डाल दिया, अभी 2 दांत निकल रहे हैं इसके, है ना? जी फारूक भाई। तो चलिए बहुत खुशी की बात है, आप एक बात जो बताए कि ये भाई बन्नूर क्रॉस है, ऐसा बहुत कम लोग बताते हैं कि भाई बन्नूर क्रॉस है, सभी कहते हैं भाई प्योर है, असील है, आप देख लीजिए अच्छी जात में है, ऐसा ऐसा करके, तो आप क्लियर बता दिए, बहुत खुशी हुई। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही शानदार तरीके से खान साहब अपने पास रखे हैं, घर पे रखे हैं, अपने पास शौक़ करते हैं, काफ़ी अच्छा शौक़ करते हैं। तो आप लोग ज़रूर देखिए, अगर कोई डिटेल भी चाहिए तो खान साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। खान साहब जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग का रिस्पांस भी देंगे, कॉल रिसीव भी करेंगे, बात भी करेंगे। तो ये कितने केजी पे आएगा, कुछ आइडिया है आपको? मेरे को तो इतना आइडिया नहीं है फारूकी। अच्छा, 25 किलो का मेरा अंदाजा है, 25 केजी तक आएगा, 25 केजी तक अंदाजा है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत हेल्दी है फारूकी, बहुत हेल्दी है देखने से। थोड़ा सा इसको हटाइए उधर से, जगह पे से हटेगा वो। ठीक है छोड़ दीजिए, हाँ बैठे तो भी प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, चलिए माशाल्लाह देख सकते हैं। तो चलिए बहुत अच्छा है ये बनूर क्रास, लेकिन बहुत क्रास भी नहीं कहेंगे भाई, मेरे हिसाब से ये अच्छा ही लग रहा है। आप बोल दिए बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आप, बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, हेल्थी है। तो ऐसे ही हम दूसरी वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बनाने वाले हैं। मुबारक भाई की बहुत सारे जानवर आने वाले हैं, इंशाल्लाह आने के बाद हम आपको ज़रूर अपलोड करेंगे नई नई वीडियो। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये सभी जानवर अच्छे लगे मुबारक भाई के, तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, लाइक करना ना भूलिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया मुबारक भाई, बहुत शुक्रिया, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।